देखा मम्मा, देखा प्रेम की आंखें तो लाल हो रही है। यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं, तुम सब लोग यही के यही मरोगे, कोई नहीं बचेगा। अब तक तो तुम्हारे बेटे के शक्तियों ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अब हम इतने सारे, हमारी इतनी सारी शक्तियां, वो अकेले कब तक लड़ेगा? तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्ही ने तो कहा था ना कि तुम्हें सिर्फ गंगा जल चाहिए। मेरे पति गए हैं तुम्हारे गंगा जल लेने, हम तुम्हें गंगा जल देकर मुक्ति दे देंगे। मैंने कहा और तुमने विश्वास कर लिया? कभी मत विश्वास करना, हम प्रेतात्माओं पर कभी मत विश्वास करना। कन्या चलो यहाँ से चलते हैं, भाव से सिर्फ प्रेम ही लड़ सकता है, और अगर इसे यहाँ पे कुछ हो गया ना तो हम भाव से कभी नहीं जीत पाएंगे। नहीं नहीं संध्या, जब तक प्रेम हमारे साथ है हमें कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ, हम यहाँ से अपने सवालों का जवाब लिए बिना नहीं जा सकते। अगर हमें भाव को हराना है तो हमें सारे सवालों का जवाब चाहिए। रेखा पर मैं इन सब के लिए प्रेम की जिंदगी तो खतरे में नहीं डाल सकती ना, देखो इसकी तबीयत भी खराब हो रही है। संध्या प्रेम को कुछ नहीं होगा, मेरा भरोसा रखो। तुम भूल गई, अंगद को मौत की दुनिया से वापस लाने वाला प्रेम ही है, उसे कुछ नहीं होगा। अगर अभी तक प्रेम ने हमें जितने भी प्रेतों से बचाया ना, वो इतने शक्तिशाली नहीं थे। संध्या तुम जानती हो ना, इस शमशान में जितने भी प्रेत है वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रेत है। हमें यहाँ से चलना होगा, चलो यहाँ से, मुझे प्रेम को यहाँ से ले जाना होगा। तुम हाँ बोलो, संध्या फैसला तुम्हारा है, जल्दी बोलो। अगर मैं प्रेम को यहाँ से ले गया तो ये सारे वार रुक जाएंगे। भाव का ध्यान सिर्फ प्रेम पर है, और प्रेम ने अभी तक भाव को सिर्फ हराया ही है। तुम जल्दी हाँ बोलो, मैं प्रेम को यहाँ से ले जाता हूँ। संध्या जल्दी हाँ बोलो, एक बार इस बच्चे के बारे में सोचो तो सही। तुम इसी के बारे में सोच रही हूँ कार्तिक, अगर हमें सच का पता नहीं चला तो भाव हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेम, इसकी हालत बहुत खराब हो रही है। रुको संध्या, इसे प्रेम मत देना। याद है ना शाकिनी ने कहा था, भाव को प्रेम तभी मिल सकता है जब उसकी माँ यानी कि तुम खुद उसे प्रेम सौंपोगी। कार्तिक, संध्या तुम हाँ मत करना, वो तुम्हारे साथ खड़ा है, वो मैं नहीं भाव है। जब पानी लेने गया था इसने जंगल में मुझ पे अटैक किया, और फिर मुझे वहां छोड़ के मेरा रूप लेके ये तुम्हारे साथ आ गया। तभी मुझे बार बार आभास हो रहा था कि भाव हमारे आसपास ही है। आभास होके क्या फायदा हुआ, मैं तो आ गया ना। अगर तुम सब अपनी जान बचाना चाहते हो तो प्रेम को मुझे सौंप दो, नहीं तो तुम सबको एक एक करके मार दूंगा। पापा को बचाओ, बचाओ बेटा। ए मम्मा, ए सरजी, मेरे पापा को बचा लो। अंगद, कार्तिक जल्दी से आप प्रेम के पास आ जाओ, हम यहाँ सुरक्षित हैं। मुझे जाना है, छोड़ो मुझे। पहले मेरी मम्मा को जवाब दो। हमें बताओ कि भाव है कौन, जाता क्या है, वो
कहाँ से आया है, उसकी कहानी क्या है? क्या करोगे? तू बता, तू क्या करेगी? जिस तरह ये गायब हो रही है, हम इस पे अटैक कैसे करेंगे? पता नहीं कहाँ है। कायर औरत, कहाँ छुपी? हिम्मत है तो सामने आ। लो, आ गई मैं। लड़की बार बार गायब हो रही है, मेरा पूरा गंगा जल बर्बाद कर दिया उसने। किरण, है ये इसी घर के अंदर कहीं, पर कहाँ है हम कह नहीं पा रहे हैं। इस तरह से हम जीत नहीं पाएंगे। चलो घर से बाहर चलेंगे। लेकिन बाहर भी तो खतरा है। वीर जी, तुम लोगों की बारी है। हम सब ऊपर चलते हैं। अखिल, नहीं, अपना हाथ इसके हाथों में मत देना। यही इसका जाल है, हाथ लगाते ही ये सबको पायल बना देगी। अरे वाह, तुझे तो मेरा राज पता चल गया। तुम सब लोग हमारे पीछे आओ। अरे वाह, कितना क्यूट है ये बच्चा। लाओ मुझे दे दो। नहीं, बेटा ये भगवान जी की मूर्ति अपने पास रखना, चाहे कुछ भी हो जाए छोड़ना मत। दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे बुरी प्रेतात्माएं इसी शमशान में रहती हैं। ये बात एक तांत्रिक जानता था, भाऊ। इसीलिए
वो इस गांव में आया। वो बहुत ही शक्तिशाली था। वो भूत प्रेतों को अपने वश में कर सकता था। उसने इसी शमशान को अपना घर बना लिया था। यहाँ वो घोर तंत्र पूजा करने लगा और इन प्रेतात्माओं को अपने वश में कर लिया। लेकिन इतनी शक्ति उसके लिए काफ़ी नहीं थी। वो अमर होना चाहता था और इस अनहोनी को होनी करने के लिए उसकी तलाश उसने शुरू कर दी। तो क्या उसे अमर होने का रास्ता मिला? हाँ, अमर होने के लिए उसे एक ऐसे बच्चे की जरूरत थी जिसमें वो अपनी आत्मा डाल सके। जो एक प्रेत आत्मा और एक औरत के मिलन से जन्मा हो। हमारा प्रेम आ गया। और इसलिए उसने महाशिवरात्रि की उस झूठी कहानी को जन्म दिया और अपने होने वाले जीवन साथी का चेहरा देखने के लिए बहुत सारी लड़कियां उसकी झूठी कहानी के झांसे में आ गईं। मैंने सुना है जो भी लड़की महाशिवरात्रि की रात को पूजा करने के लिए जाती है और वहाँ लिख के मंत्र को 108 बार रीड आउट करके पूजा करती है तो शिवजी उसे उसके वुड बी हस्बैंड का चेहरा दिखा देते। एक लड़की महाशिवरात्रि की रात पूजा करने आई। भाव ने पीछे से उस पर वार कर दिया और उसे अपने साथ ले गया। प्रेत आत्मा, मैं तेरा आवाहन कर रहा हूं, आ मेरे पास, आ जा। आ मेरे शरीर में समा जा। वो लड़की भाव की इच्छा पूरी नहीं कर सकी। बच्चे को जन्म देने से पहले ही मर गई। तो उसने और भी कई लड़कियों का अपहरण किया पर वो अपने इस मकसद में सफल नहीं हो पा रहा था। नहीं, तू मर नहीं सकती, तुझे जिंदा रहना होगा। मेरे लिए जिंदा रहना होगा तुझे। सारी लड़कियां मर जाती और वो कभी वापस नहीं आती। किसी को पता नहीं चलता वो कहाँ गायब हो गई। लेकिन एक दिन देखो ना क्या हो गया अपनी बेटी को। अच्छा तो तू है वो जो गांव की सब लड़कियों को मार रहा है, है? मार डालो इसे, छोड़ना नहीं, मार डालो, मारो इसे। और फिर सब गांव वालों ने मिलकर भाव को जंजीरों में जकड़ लिया और इस शमशान में लाकर उसे मार दिया और उसके शरीर के 6 टुकड़े करके अलग अलग जगह दफना दिए। भाव तो मर गया पर उसकी वो झूठी कहानी आज भी जिंदा है। कुंवारी लड़कियां आज भी महाशिवरात्रि की रात पूजा करने मंदिर जा रही हैं और भाव का शिकार हो रही हैं। मरने के बाद भी भाव ने अपने मकसद को नहीं छोड़ा। वो एक खास मकसद के लिए आया है और इसीलिए तुमसे मिलन करना चाहता है। उसकी तलाश अब भी चल रही है। जिस दिन उसे वो बच्चा मिल जाएगा जो एक इंसान और एक प्रेत आत्मा से जन्मा होगा फिर वो अमर हो जाएगा, तबाही मचा देगा, पूरे गांव वालों को बर्बाद कर देगा। तो इसीलिए भाव प्रेम के पीछे पड़ा है।
उसका अंत कैसे होगा? गांव वालों ने उसके जो 6 टुकड़े अलग अलग जगह दफना दिए थे, उन सारे टुकड़ों को एक एक करके अमावस्या के दिन इसी शमशान में जलाना होगा, तभी भाऊ को मुक्ति मिलेगी और वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। वो आ गया। वो अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। वो मुझे मार देगा। वो आ गया है। अरे जल्दी बताइए, उसके शरीर के टुकड़े कहां पर हैं? तेरी इतनी हिम्मत? प्लीज उठ जाओ। अंगद, प्रेम को मंदिर ले चलते हैं। अब चले गए, अब मैं क्या करूं? गौर जी, प्लीज मम्मा को जल्दी वापस भेज दो ना। अरे डर क्यों रही हो? ये तुम्हारी दादी है ना? इन्हें मैं फिर से तुम्हारी दादी बना दूं? अभी बना देती हूँ, पर एक शर्त पे। तुम्हें अपने भगवान को छोड़कर अपना हाथ मुझे देना होगा, फिर मैं तुम्हारी पूरी फैमिली तुम्हें वापस कर दूंगी, ठीक है? क्या हुआ, तुम्हारी दादी, नानी, मामू कोई नहीं चाहिए? चाहिए। तुम पक्का सबको वापस कर दोगी ना? हाँ पक्का कर दूंगी, पर तुम्हें अपने भगवान को छोड़कर अपना हाथ मुझे देना पड़ेगा। लाओ अपना हाथ मुझे दे दो। मुझे पता था तुम प्रॉमिस तोड़ दोगी। तुम ना बहुत बुरी हो। नहीं पंडित जी, नहीं, मंदिर बंद मत कीजिए प्लीज। तुम लोग फिर आ गए? तुम जैसे नास्तिकों के लिए इस मंदिर में कोई शरण नहीं है। आओ यहाँ से। नहीं नहीं पंडित जी, हम नास्तिक नहीं, आस्तिक है। हमें भगवान पर पूरा विश्वास है। हम यहाँ पूजा अर्चना करने आए हैं पंडित जी। तेरे बच्चे की जान खतरे में है, प्लीज प्लीज हमें पूजा करने दीजिए। प्लीज पंडित जी, प्लीज मना मत कीजिए, हमें आने दीजिए। ठीक है, आइए आप लोग। प्लीज हमारे बेटे को बचा लीजिए। हे शिव जी,
अपने इतने सालों बाद मुझे मेरा प्रेम लौटाया। अब आप इसे मुझसे वापस छीन रहे हैं? नहीं नहीं शिव जी, देखिए मेरा बच्चा अकेले उस भाव से लड़ रहा है जिसने अपने परिवार को बचाया, अपने पापा को मौत की दुनिया से वापस लेकर आया। भाव जैसे प्रेत से लड़ रहा है, मेरा बच्चा अकेला हम सबकी रक्षा कर रहा है, इसकी रक्षा आपको करनी है। मुझे मेरा बच्चा वापस दे दीजिए शिव जी, मुझे वापस दे दीजिए, मुझे मेरा प्रेम वापस दे दीजिए। शिव जी आपको इसकी जिंदगी वापस लौटानी ही होगी, होश में लाइए मेरे बच्चे को। आपको हमें हमारा बेटा वापस देना होगा, हम इसे जीता जागता यहां लेकर आए और हम इसे जीता जागता यहां से लेकर जाएंगे। आपने हमारा बेटा हमें वापस दिया, अब आप इसे हमसे नहीं छीन सकते, नहीं आपको हमें हमारा प्रेम वापस देना होगा। बित्ती भर की लड़की, तूने मुझे धोखा दिया, रसिका को धोखा दिया, अब देख तेरे इस धोखे की मैं तुझे कितनी बड़ी सजा देती हूँ। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। देख बाहर आ जा, अपने भगवान को छोड़ और अपना हाथ मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे भी पायल बना दूंगी। पापा प्लीज फोन उठा लो ना। फोन ट्राई करने से कोई फायदा नहीं है बेटा, अब तक तो वो सब ऊपर जा चुके होंगे। नहीं कुछ नहीं होगा उन्हें। तो चली गई। घर में इतना अंधेरा क्यों? लगता है लाइट गई है, जनरेटर्स भी ऑन नहीं हुए। मॉम डैड कौन कौन है वहां? कौन गया अभी मेरे पीछे से? हाँ अंगद, यहाँ पर कोई है। मुझे भी अभी अभी आभास हुआ जैसे मेरे पीछे से कोई गया। ये क्या? वो बलराज अंकल के बहुत सारे मिस कॉल आए हुए हैं। घर में भी कोई नहीं है, सिर्फ अचानक एक साथ सब कहाँ चले गए? मेरा फोन भी डेड हो गया है। तुम लोग सबको फोन करके पूछो वो कहाँ है,
मैं तब तक कैंडल्स दिखाता हूँ। ये क्या, सबके फोन तो यही रिंग हो रहे हैं, सब अपना फोन छोड़ के कैसे जा सकते हैं, क्या करें? एक लड़की, क्या हुआ अंगद? एक लड़की को दिखा मैंने, ये लड़की यहाँ? पायल की आवाज यहाँ, यहाँ कोई तो है। ये इतनी सारी पायलें हैं, ये अचानक से हमारी तरफ चल के क्यों आ रही हैं? लगता है घर में एक नया प्रेत आ गया। रेखा तुम ठीक तो? रेखा बचो! नहीं, इन्हें मत मारना, ये कोई प्रेत नहीं, ये हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। क्या? मैंने देख लिया है, भाव ने नया प्रेत भेजा है, रसिका, और उस रसिका ने तुम्हारे पूरे परिवार को पायल बना दिया है। इससे पहले वो मुझे कुछ और बताती, भाव आ गया। तेरी इतनी हिम्मत? मम्मा, हम कहाँ हैं? बेटा, आप यहाँ पहली बार आए हो, ये आपकी नानी का घर है। मम्मा, पापा, कार्तिक मामू, रेखा आंटी, वो सब कहाँ हैं? बेटा, वो सब ठीक है, घर गए हैं, हम यहाँ भाव के बारे में पता करने आए हैं। रेखा, जल्दी से वो किताब ढूंढो। हाँ। इस किताब में रसिका के बारे में कुछ ना कुछ जरूर लिखा होगा कि वो कौन है, क्या करती है। आजी, आपने इतने साल गांव में गुजारे हैं, आपने कभी कुछ तो सुना होगा भाव के बारे में। संध्या बेटा, हमें तो वही कहानी पता है जो हमें गांव वालों ने सुनाई है, लेकिन ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि ये कहानी झूठी है, भाव ने अफवाह फैलाई है। हाँ जी, पर कुछ याद करने की कोशिश कीजिए ना प्लीज, भाव के बारे में कुछ तो सुना होगा गांव में। लेकिन बेटा, अगर हमने उसका नाम सुना भी होता, हमें उसके बारे में कुछ पता भी होता, तो लेकिन हम करते क्या बेटा? बाबा, पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि भाव का मुझसे या फिर हमारी फैमिली से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है, क्योंकि आज ही जब सुमति मुझे भाव के बारे में, उसके अंत के बारे में बता रही थी, तो उसने मेरी तरफ इशारा किया था, लेकिन तभी भाव आ गया।
और उसने उसका अंत कर दिया। ये आवाज कैसी? देखा, तुम वहां ध्यान मत दो, तुम किताब में देखो रसिका के बारे में क्या लिखा है। और हाँ हाँ, मिल गया। रसिका एक निशी प्रेत है। निशी प्रेत? ये क्या होते हैं? हो सकता है कि भाव के शरीर के जो 6 टुकड़े हैं, वो जहाँ दफनाए गए हैं, उस जगह से हमारा कोई कनेक्शन हो। भाव के 6 टुकड़े? हाँ, दरअसल गांव वालों ने भाव को जान से मारकर उसके 6 टुकड़े कर दिए थे, और उन 6 टुकड़ों को गांव के अंदर ही अलग अलग जगह दफना दिया था। हमें वो सारे टुकड़े ढूंढने होंगे, तभी हम भाव का अंत कर सकते हैं। हाजी, भाव के शरीर के 6 टुकड़े हुए थे? हाँ जी, आपने आपने कुछ सुना है इसके बारे में? ये वही भाव है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है? हाँ, आप जानती हैं उसके बारे में? ये कैंडल ऐसे बुझ गई जैसे किसी ने जादू किया हो। रेखा, आगे पढ़ो। ये निशी प्रेत वो होती है जो छोटी छोटी गलतियों के लिए बहुत खतरनाक दंड देती है। बहुत खतरनाक होती है। ये जो स्त्री होती है, या तो ये नर्तकी होती है, या फिर ये ऐसी स्त्री होती है जिनका अनेक मर्दों के साथ संबंध हो। इनकी अकाल मृत्यु होती है, या फिर ये आत्महत्या से मरती है। Oh my God. ये तो बहुत खतरनाक लगती है। लेकिन रेखा, इनका विनाश कैसे करते हैं और हम अपने परिवार को वापस कैसे लेंगे? लिखा है कुछ इसमें? नहीं अंगद, इस किताब में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अंगद, हमें संध्या और प्रेम को बुलाना ही होगा। सिर्फ एक प्रेमी है जो भाव से लड़ सकता है। नहीं कार्तिक, कार्तिक हम ऐसा नहीं कर सकते। पर हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कार्तिक, यही तो भाव चाहता है। हम वो क्यों करें जो भाव चाहता है? भाव तो चाहता है कि संध्या और प्रेम यहाँ पे आए, जिसे पूरे परिवार को निशाने पर रखकर वो संध्या को मजबूर कर दे प्रेम को देने की। हम ऐसा नहीं कर सकते। देख संध्या, हर परिवार की एक कहानी होती है, और पीढ़ी दर पीढ़ी घर के बुजुर्ग वो कहानी बच्चों को सुनाते हैं। हमारे पटवर्धन परिवार की भी एक कहानी थी, मुझे अभी तक याद है। विनायक जब छोटा था, तब उसके दादाजी उसको और मंगेश को रात को रोज एक कहानी सुनाते थे, और वो कहते थे ये कहानी हमेशा याद रखना। और उनको वो कहानी उनके दादाजी ने सुनाई थी। आई, पर मुझे तो ऐसी कोई कहानी बिल्कुल भी याद नहीं है। सच में मुझे बस थोड़ी सी कहानी याद है। उस कहानी में एक राक्षस था, उसके हाथ में हमेशा कुल्हाड़ी रहती थी। उसने गांव में तबाही मचा रखी थी, तो हमारे पूर्वजों ने उसे मारकर उसके शरीर के 6 टुकड़े किए थे ताकि वो फिर से जिंदा ना हो पाए। संध्या, प्रेम को यहां बुला, अभी बुला। नहीं भाऊ, हम तेरे इशारों पे नाचे वाले प्रेत नहीं है जिन्हें डरा धमका के तू कुछ भी करवा सके। सही कहा तूने, तुम भूत प्रेत नहीं हो, इंसान हो, और इंसान भूत प्रेतों से बहुत कमजोर होता है। अब तू देख तेरी ये जिद तेरे परिवार को कहां ले जाएगी। भाऊ कहां चला गया? हॉल में, जहां पूरा परिवार है, वो सब खतरे में है। चलो, हमें उसका अंत करने के लिए उसके 6 टुकड़े ढूंढने बहुत जरूरी है। आजी, इसके अलावा कुछ याद है आपको? बाबा, कुछ याद करने की कोशिश कीजिए ना, आपको कुछ तो याद होगा। नहीं बेटा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है सच में। आजी, आपने कहा कि दादाजी ने ये कहानी बाबा के साथ साथ मंगेश काकू को भी सुनाई है, तो
क्या पता उनको याद हो। हाँ एक मिनट, आई मैं मंगेश को फोन लगाता हूँ। भाव बहुत गुस्से में है, वो घर के लोगों को चोट पहुंचाने की जरूर कोशिश करेगा। वैसे ही सब पायल बन गए हैं। हम ऐसा करते हैं, सारी पायल मंदिर में रख देते हैं, वहां भाव इनका कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ। महसूस हो रहा है ना तुझे, तो चाहे तो इन सबको बचा सकता है। तुम मुझे प्रेम दे दे, मैं तुझे तेरा परिवार वापस दे दूंगा। नहीं भाव, मुझे तुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और मैं तुझे अपना बेटा कभी नहीं दूंगा। नहीं, बोल, अभी भी तू अपने बेटे को बचाना चाहता है? याद रख, जब तक ये सारे घुंघरू एक नहीं हो जाते, ये लोग अपनी जिंदगी में वापस नहीं आ सकते। हाँ ठीक है दादा, अगर आपको कुछ याद है तो प्लीज फोन करना। आई मंगेश दादा को भी कुछ याद नहीं है। आजी, अगर ये कहानी इतनी इम्पोर्टेंट थी तो हमारे बुजुर्गों ने इसका कोई ना कोई तोड़ तो जरूर रखा होगा ना। हो सकता है उन्होंने ये कहानी कहीं लिख के रख दी हो। नहीं हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा है। आजी वो होता ना जो बुजुर्ग लोग अपने वंशज को देते हैं, जैसे कि कोई संपत्ति, कोई चीज। हमारे पास ऐसी कोई संपत्ति, ऐसी कोई चीज हो जो उन्होंने बाबा को या फिर मंगेश काका को दियो। नहीं बेटा, जब बाबा की मौत हुई थी तो मैं तो जेल में था। बाबा अपनी आखिरी सांस तक कभी मुझसे मिलने जेल नहीं आए, और ना ही कभी उन्होंने मुझे फोन किया। मैंने जो कुछ भी साक्षी के साथ किया, उन्होंने उसके लिए भी मुझे कभी माफी नहीं दी। मम्मा। हाँ बेटा। हम बड़े नानू से ही क्यों नहीं पूछ लेते? नहीं बेटा, उनसे हम नहीं पूछ सकते। बड़े नानू अब हमारे बीच नहीं रहे। तो हम बड़े नानू की आत्मा से बात कर सकते हैं ना? क्या? ऐसा हो सकता है?